नमस्कार सेफ मना को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम ये गोटे सिंपल रेसिपी कखारु फुलर पिठा तैयारी करवा। यह पिठा को मुझे दुई प्रकार या गोटे चाउल बटा दे कि पिठ दे कि कर गोटे बेसन गोल कि छाणी चलतु देखने नवा केमती आम या दुईटा प्रोसीजर कखारु फुल पिठा। ये देखूँ ये कखारु फुल को आम बाछी ना भल भाव देखते यार जो डेम्फ गुड़ा लगी एगुड़ा को प्रथम छिंडे नवा तापर आम या जो देखो ये भितरे रही यार ये हलदिया मानने टाण अंशा यटा को प्रथम एमती कर भांगीदेवि यटा को बाहर करदे कि फोपाड़ दबा। बाकी देखो ये तले लगी टाण अंशा यटा को मुझे रखुची और डेम्फटा भांगी दूसरी आपड़ चाहिए से भांगी पारे किसी खायापी बहुत भल लगे यहाँ टाणटा हुए कि पिठरे दे कि पिठा कर सारापर खाया मीठा मीठा लगे भल लगे तो से मुझा रखिकमती भाव में सब बाछी ने कखारु फुल को सेम प्रोसीजर या भी एमती मु सब एगुड़ा भांगी भांगी दबापर आम ये जो अच्छे टाणटा यहाँ टी सावधान करा पड़े कारण कखारु फुलटा बहुत सॉफ्ट एवं यहाँ पूरा भांगी जाए भी धरू धरू तो धीरे किना या भांगी या बाहर करदे फुलटा ये डेम्फ सहित लगिक फुलटा भांगी जाटा को आम पकईद बाकी डेम्फटा को भांगी देखिए मुझे लगे रखिक करी पिठा ये चाहिए आपलगापर यह भाव में देखो मुझे सब कखारु फुल को एमती बाछी नहीं भितर टाणटा को बाहर कर दे बाकी सब एम बाछी नहीं कर फुल को आपड़ डबल करके ना मुझे सब सिंगल फुल देकर करी पिठा टी जो मोटा पसंद करीटा को मिसेकपरिवे चलतु प्रथम ये कौन कौन नहीं सब देखे ये मुझे बेसन नहीं गोटे कप बेसन नहीं फुल देखिक बेसन ने चाउल को बतुरी दी दुई घंटा आगु अरुआ चाउल को धोईक रखी किसी पिज को काटिक रखी कंचा लंका सुखिला लंका दीटा नहीं जीरा हलदी गुंड आ लुण स्वाद अनुसार लुण नवा एवं चलतु नेक्स्ट प्रोसीजर आम प्रथम चाउल जो पिठटा तैयारी करना तो ग्राइंडर जारे मुझे चाउल को जो बतुर धोईक रखी यटा को देदे आम देद जीरा सुखिला लंका एवं स्वाद अनुसार लुण एवं आम ए अल्प टिके पानी देकि पानी बेसी दबानी देकि आम या ग्राइंड करना एवं देखो ये मोर एट प्लेन भाव में पूरा ग्राइंड हो जाइए तो ये टाइम मुझे टिके प्याज ऐड करदेवि ये प्याज को मुझे देदेवि एवं ये प्याज को मुझे अल्प टिके ग्राइंडर बुले कि पूरा दरदर बटा करके मिक्स करने प्याजटा मूल रू देदेले पूरा प्लेन हो तो टिके दरदर हो बटा रेरे प्याजटा पटे लगे खाला बेलू तो से प्याज को अल्प टिके ग्राइंड करी टिके ये पा लगे मुझे एवं चलतु आम या ग्राइंड कर ना ये देखु आम बेटर एवं पूरा रेडी प्याजटा देखो टे दरदर बटा अच्छी बेटरटा एमती कनसीस्टेन्सी रमें एक गोटे बाउल रे बाहर कर ना एम बेटर रेडीगला एम नेक्स्ट बेसन दे कि मुझे बेटर बनैबी बेसन रेटर पर देखो मुझे बेसन नहीं गली ता सहित मुझे अल्प अल्प करके पा दे कि गोलैबी प्रथम या भल भाव टे फेटी ना एवं शुखला लगुच लगे पा आड कर भल भाव गोल भलसे गोल जमी कि बुटुड़ी कि न रुए बेसन रू
पूरा प्लेन हो जाइए बेसन। एबे आमे एथिरे दे देबा स्वाद अनुसार लुण, अल्प टिके हळदी गुंड एवं जो काटिक रखी प्याज को मुझे देदे आ सहित मुझे कंचा लंका देदे याको आम ये भल भाव मिक्स करनवा। ये चामच में भलसे हेनी प्याज गुड़ा गोटाटा रही आए मो पा दूसरी और या हाथ में गोल नौ भल भाव यहाँ बेसी पाणी आई गले पुणी बही जीव तो बेस देखिकी यहाँ एमती कनसीस्टेन्सी रमी आम आलु चप तैयारी करे कि बैगणी छाणला बेल जमी आम बेटर बनाऊे से टाइप आम ये बेटरटा बनई नवा। ए चलतु ये गोटे पैनटे गरम कर फास्ट मुझे चाउल बटा जो पिठौ तैयारी कर पिठौ दे कि कखार फुल कर देखेदेवी ये तावाटा गरम करें ये तेल लगेद तावे एबे देखो ये मोर पिठौ बटा अच्छी एमें फुल को एमती बुड़ेबा दुईपटे भल भाव जमी ऊपर तले चार पिठौ बटाटा भलसे लगे एमती नहीं कि आम तावे देद एमती भाव में सब फूल को आम ये भाजवा तो एमती तावे प्रथम देद प्रथम सब गैस रो फ्लेम को मीडियम रखी गोटे साइड हो गला देख उल्टे ना ये बेस समय लगे नहीं करने बहुत जल्दी यहाँ तैयारी हो जाए एवं खायापी तो बहुत भल लगे। एमती भाव में सब फूल पिठा को उल्टे देली आउ टिके ऊपर ऊपर टिके तेल ये लगे दबा ये देखते दुई पट मुझे भल भाव या फ्राए कर नहीं ब्राउन कलर टिके टिके आसीगला एवं आमर कखारु फुल पिठा रेडी हो जाए केते बढ़िया देखा एवं खायापी गरम गरम मुसमुस हुए पूरा खायापी बहुत भल लगे ये प्लेट रे मुझे बाहर करना तो ये कखारु फुल मुझे पिठौ देखी करदे यहाँ मोर हो नेक्स्ट प्रोसीजर आम ये बेसन देकर कखारु फुलटा छाणी तो कड़ाई से तेल को गरम कर देखते जो बेसन बेटर बनई थी से आम बुड़ी कखारु फुल को एको आमे छाणीबा तेल गरम हो जाए भाव ये आम कखारु फुल को देद एमती गोटे साइड टिके ब्राउन कलर हो आसिले आम उल्टे दबा एको गैस रो फ्लेम को मीडियम लो रे रखी बेसी हाई करनी कारण पतला फूल और बेसन रेटरटा टे धीरे धीरे कि भल हुए देखो ये हो गला ब्राउन कलर गोल्डन कलर आसीगला यार तो ये कखारु फुल छणा रेडी तो एमती भाव में आप पिठौ देकपरेंगे और बेसन देकी कखारु फुल पिठा को छाणी देखिए खायापी यहाँ भी मसमुस हुए और बहुत भल लगे तो आपण दुई प्रकार प्रोसीजर घरे निश्चय ट्राए करिवे एवं कमेंट द्वारा मते निश्चय जनइबे जदि मोर ए कखारु फुलर पिठा रो रेसिपी आपण मानको जदि पसंद आसे ताले मो वीडियो को लाइक करिवे एवं समस्त संगे शेयर करिवे जदि चैनल को सब्सक्राइब करना ताले निश्चय सब्सक्राइब करनेबे वीडियो देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद रहिली नमस्कार।